एक छोटा सा झूठ कैसे पूरी जिंदगी को खराब कर देता है, ये आप लोगों को इस मूवी में पता चल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूं द लाई मूवी के बारे में, जो आप लोगों को अमेजोन पर देखने को मिल जाएगी। तकरीबन 1.5 घंटे लंबी ये मूवी है। और इस मूवी का अगर मैं जॉनर की बात करूं तो ये सीरियस है, क्राइम से रिलेटेड एक मूवी है। बट जब आप इसकी एंडिंग देखोगे, देखो इसके अंदर कोई भी जोक नहीं, एक सिंगल जोक नहीं, बट जब इसकी आप एंडिंग देखोगे आपको हंसी आ जाएगी। चलो अब इसकी कहानी के बारे में बात करते हैं। कायला नाम की एक 15 साल की लड़की है, जिसके माता पिता हैं वो एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। उसके पिता किसी औरत के साथ रहते हैं, इसकी माँ जो है वो किसी दूसरे मर्द के साथ अपनी लाइफ जो वो बिता रही है। और कायला जो है वो कभी अपनी माँ के पास रहती है और कभी अपने पिता के पास रहती है, और ऐसी इसकी लाइफ चल रही होती है। और कायला को वो दिन बहुत ज़्यादा याद आते हैं जब ये तीनों एक साथ थे, उसके माता पिता एक साथ थे, वो बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे। और कायला कहीं ना कहीं वो दिन को वापस लाना चाहती है। तो कायला अब अपने पिता के घर पे आई हुई होती है, और अपने जो उसके पिता हैं वो उसको उसके स्कूल छोड़ने जा रहे होते हैं। अपनी जो कायला अपनी फ्रेंड के साथ होती है, ब्रिटनी के साथ होती है, और ये कहीं रुकते हैं एक जगह पर। और ये ब्रिटनी और कायला जो है वो एक ब्रिज के ऊपर जाते हैं, और इसके पिता जब ढूंढने हुए जाते हैं तो कायला उसको बताती है कि उसने ब्रिटनी को उस नदी में धक्का दे दिया। वो ब्रिज जो होता है उसके नीचे जो नदी होती है वो उसने उसमें धक्का दे दिया और वो मर गई होती है। अब जो उसके पिता जे और उसकी माँ जो रेबेका, अब अपनी बेटी को बचाने के लिए वो हर कोशिश करते हैं। वो इवन उसको छुपा के रखते हैं और वो झूठ बोलना शुरू करते हैं कि उनकी बेटी ने कभी ब्रिटनी को, मतलब कभी क्या, उस दिन ब्रिटनी को देखा ही नहीं, उनको नहीं पता ब्रिटनी कहाँ गई। जब उसके पिता, जब ब्रिटनी के पिता इनके घर पर आते हैं, और इवन जब इंसान ज़्यादा इस को करने की कोशिश करता, अपने आप को, अपने अपने परिजन को या अपने आप को बचाने की कोशिश करता, तो इस चीज़ में वो गलती करता ही करता। और ये इंटेलिजेंट बनने के चक्कर में इन्होंने सबसे बड़ी गलती ये कर दी, ये खुद पुलिस के पास चले गए। इवन ब्रिटनी के पिता वो खुद अपनी बेटी को ढूंढ रहे हैं, वो पुलिस में नहीं गया, ये जे और रेबेका ये जाके पुलिस में जाके कंप्लेंट कर देते हैं कि इनकी जो ये जो ब्रिटनी है वो गायब हो चुकी है। और यही सबसे बड़ी गलती थी, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली। ना 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 ना, कहीं सोच रही हो स्पॉइलर दे दिया, बिल्कुल भी स्पॉइलर नहीं है। स्पॉइलर तो इसके अंदर छुपा है, वो एंड में छुपा है, वही एक तरीके से इस मूवी का पूरा सार है। अब देखो कायला ने ऐसा क्यों किया, उस लड़की को क्यों उसने मारा, ये इस चीज का जवाब तो आपको इस मूवी के एंड में ही मिलेगा। अब बात करते हैं ये मूवी कितनी अच्छी है और कितनी बुरी। देखो यार, मूवी स्टार्टिंग में देखने बैठा तो इसमें एक्साइटमेंट रही, सस्पेंस इसमें बना, लेकिन ये मूवी की सबसे बड़ी वीकनेस पता क्या वीकनेस है, इसमें इसका सबसे ज्यादा प्रेडिक्टेबल होना। यानी आप जब अगर इसको आप अपने दिमाग की जो बत्तियां हैं उसको जगाकर इसको देखोगे ना, तब आप समझ जाओगे कि इसके एंड में क्या होने वाला है। मैं तो यार देखो समझ गया था कि हाँ यार इसके अंदर कहीं ना कहीं ये होने वाली चीज़ है, फिर भी मैंने अपना इंटरेस्ट बना के रखा इसके अंदर, मैंने उस चीज़ को साइड में रखा और मैंने सोचा नहीं यार, जो मैं सोच रहा हूँ उसके विपरीत कुछ और एंडिंग हो सकती है। बट एंडिंग वही निकलती है जो मैंने जो गैस कर लिया था, जो प्रिडिक्ट कर लिया था। और इस कारण यार मैं कहूँ कि यार मूवी में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं बन पाया था, और मूवी में कुछ ज़्यादा टर्न एंड ट्विस्ट ना होने के कारण ये कहीं ना कहीं आप लोगों को बोर भी करने लग जाएगी। और वाकई में जो इसकी एंडिंग है ना यार, आपको वो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसमें कोई जोक था, यार जोक नहीं था, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो यार एक ऐसी सिचुएशन, उनके जो चेहरे देखे थे ना यार मैंने, यार इनके चेहरे तो देखो यार, मतलब 12 बज गए थे, बिल्कुल होश ही उड़ गए थे, खून सूख चुका था, पीला रंग पड़ चुका था, ऐसे फेस उनके बन के खड़े हो गए थे। और जो मैंने सोच लिया था कि यार हाँ यार ये एंडिंग होने वाली है, बट फिर भी मैं वो एक्सप्रेशन देखने के लिए रुका हुआ था। बट अगर किसी ने मूवी नहीं देखी है तो यार मैं तो कह सकता हूँ कि यार वन टाइम वॉच ये मूवी है, बाकी तो वन टाइम के अलावा शायद कोई जिसको बहुत ज़्यादा सस्पेंस देखना हो तो नहीं यार, ये उस लेवल को तो बिल्कुल पार नहीं कर पाती। मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूँगा 4.5 out of 10 स्टार। अगर किसी ने मूवी देख रखी तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता देना कि आप लोगों को मूवी कैसी लगी। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।